हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बीएससी पार्ट वन पेपर टू में ग्रुप ए डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें कि हम लोगों ने जो है प्री डिस्कशन किए थे कि आखिर एक्चुअल में सिलेबस क्या क्या है, पेपर वन में कौन सा बुक्स पढ़ना है और पेपर टू में, जिसमें कि हम लोगों ने कल डिस्कस कर चुके थे और जिसमें कि हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बताया गया था कि इसमें जो है क्या क्या सिलेबस है और कौन सा दो क्वेश्चंस पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए अभी हम बोले कि बाद में डिस्कस करेंगे, बट सेकेंड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो हम लोग शुरू करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो है सक्सेसिव डिफरेंसेस है, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए इसमें जो है बीएससी पार्ट वन का जो पोर्शन है सक्सेसिव डिफरेंसेशन, एक बार ध्यान से फिर से समझा देते हैं। देखिए सक्सेसिव डिफरेंसेशन क्या है, तो सक्सेसिव बोले थे कि हम लोग अभी तक जो डिफरेंसेशन किए थे वो 1, 2, 3 तक, लेकिन इसमें क्या करना है, लास्ट nth तक करना है या n+1 तक करना है, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंसेशन कहलाया था। अब देखिए सक्सेसिव डिफरेंसेशन में कल कुछ बच्चे ने पूछे थे कि थोड़ा सा परेशानी हो गया, तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। सपोज कीजिए कि y बराबर दिया है कितना x पे पावर n, ध्यान से देखिएगा इसको अच्छे से आप जो है फेयर करते हुए निकल जाइएगा। y बराबर कितना है x पे पावर m है, इसको nth तक करना है डिफरेंसेशन। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या चीज कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y है तो हम लोग क्या लिखेंगे y1 एन एक्स एन माइनस वन, तो एम एक्स कितना हो जाएगा एम माइनस वन, एक बार हम डिफरेंशिएट किए, फिर से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई टू हो जाएगा, फिर से देखिए एम यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेरा क्या हो जाएगा एम माइनस वन इंटू एक्स पे पावर एम माइनस टू, फिर से री थर्ड पार्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू एक्स पे पावर कितना हो जाएगा एम माइनस थ्री। तो इस तरह से अगर पोर्शन को हम लेते चले जाएं और इसको हम लिखेंगे क्या, अगर वाई एन तक लिखना है तो मेरा पोर्शन क्या हो जाएगा एम एम माइनस वन एम माइनस टू अप टू डॉट 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 अप टू क्या करेंगे डॉट 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 और nth टर्म तक चलेगा। तो ये देखिए इसमें तीन था तो एम माइनस थ्री था, बट इस जगह देखते हैं क्या थ्री है तो एक पोर्शन कम आया, तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़ की एम माइनस एक कम हो जाएगा, क्या लिखेंगे n माइनस वन इंटू एक्स पे पावर m माइनस, इस जगह हम लोग क्या लिखते हैं थ्री है तो थ्री तो n है तो क्या हो जाएगा n, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या m इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू अप टू क्या हो जाएगा m माइनस n प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा x पे पावर m माइनस n। ये मेरा जो है nth पद तक हुआ, दैट मीन्स कि n टर्म तक जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ये निकाले। अब अगर मान लेते हैं क्या कि इसी पोर्शन को हमको ये डिफरेंशिएट किए वाई एन प्लस वन तक के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा m इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू फिर से लेके डॉट डॉट डॉट, ये तो मेरा अंतिम तक रहेगा ही m माइनस एन प्लस वन और एक आगे आ जाएगा इसका क्या होगा m माइनस एन इंटू एक्स पे पावर एम माइनस एन माइनस वन। ये हम लोगों ने जो है वाई एन प्लस वन तक कल भी इसके बारे में बताए थे, डिफरेंशिएट किए थे। अब देखिए इस तरह से अगर डॉट 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 मेरा चलते रहेगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री से लिखे, अगर हम लोग सपोज करते हैं कि एम बराबर अगर कितना हो तो एन हो, इस पोर्शन से लीजिएगा एम इज इक्वल टू कितना हो एन हो, तो ये मेरा वाई एन होगा, एम के जगह क्या लिखेंगे एन एन माइनस वन एन माइनस टू से लेके कितना हो जाएगा, ये जब लिखे थे तो n माइनस एन प्लस वन इंटू बताइएगा x पे पावर कितना हो जाएगा n माइनस एन, जब हम इस पोर्शन को लिखेंगे तो n n माइनस वन एन माइनस टू अप टू ये कैंसिल हो गया x पे पावर n माइनस एन जीरो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा वन, ये अंतिम पद वन हुआ। इससे अगर बिफोर लिखेंगे तो बच्चा पूछा था कि सर टू कैसे हुआ, तो देखिए वन है एक ये फैक्टोरियल के फॉर्म में, ये मेरा वन है, इससे पहले अगर कोई पद लिखेंगे ये लिखेंगे टू थ्री से लेकर डॉट डॉट अप टू एन तक मेरा एन हो गया, देखिए ये मेरा एन स्टार्ट हुआ एक से हुआ एक दो तीन से लेकर ऐसा पद आएगा जो कहाँ तक चल जाएगा एन तक चल जाएगा, इसलिए लिखते हैं एक दो, ये अगर नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है डॉट 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 वन आ गया, एक फॉर्मेट आ गया कि एक दो तीन से लेकर फैक्टोरियल, देखिए इस जगह मेरा घट रहा है एन एन माइनस वन एन माइनस टू से लेकर डॉट डॉट, अगर अंतिम वन है तो इधर क्या होगा बढ़ेगा और इस पोर्शन में घटेगा, इसलिए हम लोग लिखते थे वन टू और क्या लिखते थे थ्री डॉट डॉट डॉट, तो हम इस पोर्शन को एन एन माइनस वन को लिख सकते हैं क्या चीज दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन, या अगर एक दो ये चीज नहीं भी लिखिएगा अगर डॉट डॉट
भी चलेगा तब भी हम इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन ही लिखेंगे। यही पोर्शन था, ये सिर्फ लिखने के लिए हम बता दिए थे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 ये इधर से क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। यही पोर्शन होता है सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन का। अब देखिए हम लोग के बाद जो है इसके नेक्स्ट बाद जो है जो पोर्शन पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, अभी दो चार सवाल और करते हैं उसके बाद जो है लेबनिज़ थ्योरम की ओर अग्रसर होंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि इसके बाद क्या क्या पोर्शन पढ़ना है और कौन कौन सा क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एन प्लस वन तक हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, इसके बाद देखिए ये जो है एक दो सवाल और बताते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि एन माइनस वन जैसे कि अंतिम पद अगर जीरो हो जाता है तो उससे पहले अगर उस साइड से हम लेते हैं तो इधर अगर आते हैं राइट की ओर आते हैं तो वो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और लेफ्ट की ओर जाते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, कहता है इसमें क्या कि टू प्रूफ करना है कि वाई इज इक्वल टू, मेरा दिया हुआ है कितना, वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है कि वन बटे ए एक्स प्लस बी, y इक्वल टू दिया है 1 बाय ए एक्स प्लस बी। तो हमको प्रूव करना है कितना कि y n बराबर, टू प्रूव y n इक्वल टू दिया है कितना, तो a पे पावर n इंटू माइनस 1 पे पावर n इंटू फैक्टोरियल n, आप बताइए यहाँ पर लिखे हैं कितना, ए एक्स प्लस बी होल पे पावर क्या प्रूव करना है, n प्लस 1। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो प्रूफ करना है कि सिंस अगर y बराबर इतना दिया है तब देन हमको क्या प्रूफ करना है, देयरफॉर y n इक्वल टू a पे पावर n माइनस 1 पे पावर n इंटू, ये चीज को देखिएगा स्थिर से समझिएगा, हमको n का टर्म निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है y बराबर नहीं कुछ तो पावर कितना है, इस पे 1 है, तो हम इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ए एक्स प्लस बी पे पावर कितना हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। अभी तो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, सॉरी 1 नहीं होगा बल्कि कितना होगा, माइनस 1 होगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, y1 का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये हो जाएगा कि माइनस 1 इंटू बताइएगा ए एक्स प्लस बी पे पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए y2 और इंटू, देखिए x के साथ करते हैं मल्टीपल है तो ये a हो जाएगा। तो इसको अगर अरेंज करना है तो हम लिख सकते हैं क्या चीज की माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस 2, रहने देते हैं ये a ही रहेगा, बाद में हम लोग कर लेंगे अरेंज। y2 अगर निकालना है तो ये कितना होगा माइनस 1 माइनस 2 ए एक्स प्लस बी के पावर कितना हो जाएगा माइनस 3, और a फिर मल्टीपल होगा तो a इंटू कितना हो जाएगा a। फिर अगर थर्ड बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इंटू कितना लिखेंगे बताइए, तो ए एक्स प्लस बी के पावर क्या हो जाएगा माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए a इंटू ए है तो दो बार हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं, इस बार तीसरा बार डिफ्रेंशिएट कितना करेंगे तो a बार में करेंगे, ठीक है। फिर से अगर चूंकि x मेरा क्या है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो मल्टीपल करते हैं, अगर y 4 लिखना चाहें तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, इधर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पे पावर माइनस 5 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, चार बार लिख दिए। अब इस तरह से चलते चलते अगर हम लोग क्या करते हैं वाई एन वा पद लिखते हैं, वाई एन लिखते हैं, ये कितना होगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 अप टू कहाँ तक लिखते हैं, एन फैक्टर तक हो जाएगा, एन मेरा टर्म या एन फैक्टर तक इंटू, इस जगह हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इंटू है इसके साथ ए एक्स प्लस बी, देखिए चार था तो एक कम हुआ तो माइनस कॉमन लेते हैं, ये कितना हो जाएगा एन प्लस 1। तो चार है तो क्या लिखेंगे हम लोग, पांच वाला पद लिखे तो इसमें क्या करेंगे ए एक्स पे पावर कितना हो जाएगा माइनस एन, और यहाँ पर कितना होगा प्लस 1 इंटू, अब देखिए ए ए ए है तो ए गुना ए इंटू कितना है ए अब तो कहां तक जाएगा एन टर्म्स लिखे या फैक्टर को लिखे एन टर्म्स तक। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एन है तो लिख सकते हैं कि माइनस 1 पे पावर एन बाहर हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 इंटू 1 फिर माइनस 1 इंटू 2 इस तरह से डॉट तो माइनस 1 बाहर हो गया। फिर इसके साथ कोफिशिएंट क्या होगा 1 2 3 4 अप टू लेके कहां तक चलेंगे एन फैक्टर तक होगा, और इस जगह हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी पे पावर माइनस एन प्लस 1 इंटू ए इंटू ए इंटू ए को अगर एन तक लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ए पे पावर एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर वाई एन इज इक्वल टू कितना हो बचा बोले तो माइनस 1 पे पावर एन इंटू ए को अगर एन तक लिखेंगे तो लिख दे क्या ए पे पावर एन मल्टीप्लाई 1 2 3 4 को अप टू एन तक, इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन, अब बटे
ए एक्स प्लस बी पे पावर क्या है माइनस एन प्लस वन, इसको अगर नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पे पावर कितना हो जाएगा एन प्लस वन। यही चीज हमको प्रूफ करना था, कहीं कोई ज्यादा परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ए एक्स प्लस बी पे पावर कितना लिख दी एन, इसी पोर्शन को हमको प्रूफ करना। आप एकदम से सिक्वेंस वे में जो है y बराबर ए एक्स प्लस बी पे पावर क्या है तो माइनस वन कर दिया, फिर माइनस टू माइनस थ्री धीरे धीरे कर जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई करके ये पोर्शन आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोगों ने एक प्रॉब्लम अभी तक सीखा, कल एक बताए थे तो लगभग दो प्रॉब्लम हो गया, और एक दो के बारे में फिर डिस्कस कर रहे हैं। जब तक सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग जो है क्वेश्चंस को बनाते रहेंगे। और दो चार और सवाल देख रहे हैं इसी के जैसा, ये दो हो गया। अगर मान लेते हैं क्या कि y इक्वल टू, एक ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें क्या दिया है कि इफ y इज इक्वल टू log, कितना दिया है तो y इक्वल टू log ax प्लस बी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब सवाल। log ax प्लस क्या कहता है b, कहता है कि y इक्वल टू कितना दिया है तो log ax प्लस कितना है b है, तो कहता है कि इसको प्रूफ कीजिए। इसको हम लोग क्या करना है कि प्रूफ करना है वाई एन इज इक्वल टू, वाई एन इक्वल टू माइनस वन पे पावर एन माइनस वन, माइनस वन पे पावर एन माइनस वन, ए पे पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन बटे ए एक्स प्लस बी है तो इसको क्या करते हैं ए एक्स प्लस बी पे पावर एन। ये चीज हमको प्रूफ करना है और इसमें लिख देते हैं एंड ऑल्सो फाइन, ये तो प्रूफ करना है, और ऑल्सो फाइंड हमको क्या निकालना है तो y n प्लस वन इक्वल टू वन। चलिए बोल है क्या कि y इक्वल टू कितना दिया है log ए एक्स प्लस बी पे पावर n, सॉरी log ए एक्स प्लस बी है तो y n इक्वल टू प्रूव करना। देखिए ये भी बहुत ज्यादा इजी है, तो हम लोग एक सीक्वेंस में चलिए y n दिया है, पहले y इज इक्वल टू कितना दिया तो ये लिखेंगे क्या चीज की log ए एक्स प्लस कितना है बी, सिंस वाई इक्वल टू दिया है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा वाई वन, चूंकि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन बटे एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि लॉग एक्स का जो है डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं वन बटे एक्स, तो ए एक्स प्लस कितना हो जाएगा बी, एक्स के साथ कितना मल्टीपल है, एक्स के साथ मल्टीपल क्या है ए, तो हम लोग एक्स के साथ मल्टीपल क्या लिख देते हैं ए लिख देते हैं। अब अगर इसको हम अरेंज करते हैं कुछ तो पावर ए है तो क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी पे पावर माइनस वन इंटू क्या हो गया ए, ये तो मेरा फिर से बताते हैं लॉग का क्या होता है वन बटे एक्स, तो वन बटे ए एक्स प्लस बी, और एक्स के साथ कितना कोफिशिएंट है ए, तो हो गया ए इंटू बी होल पे पावर कर दी। अब देखिए अगर वाई टू का डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर माइनस वन आगे आ जाएगा, माइनस वन इंटू ए एक्स प्लस बी पे पावर कितना हो जाएगा माइनस टू, चूंकि एन माइनस वन इंटू पहले से ऑलरेडी ए था फिर एक्स के साथ मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा ए। अगर हम लोग वाई थ्री करते हैं तो माइनस वन माइनस टू इंटू ए एक्स प्लस बी पे पावर माइनस थ्री, फिर ए इंटू ए, और फिर इसके साथ कोफिशिएंट है तो ये कितना हो जाएगा ए। अगर वाई फोर की नौबत आती है तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर माइनस फोर ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये चार तक लिखे। अगर हम लोग इस तरह से सिक्वेंस वे में nth टर्म तक निकालना है तो ये हो जाएगा कितना, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, देखिए डॉट डॉट डॉट। हम लोगों ने y4 लिखा तो कितना पद हुआ, तीन पद हुआ, y4 में हम लोग तीन पद लिखे। अगर इस तरह से yn लिखेंगे तो ऑब्वियस है कि एक दो तीन चार में एक कम पद हो गया तो इसमें भी क्या हो जाएगा एक कम होगा, कितना हो जाएगा n माइनस वन टर्म हो जाएगा। एक पद हम लोग हर एक में क्या लिख रहे हैं कम लिख रहे हैं तो अप टू क्या हो जाएगा एन माइनस वन पद तक होगा। देखिए यहाँ पर फिर से वाई एन था चार था तो कितना हुआ तीन आया, चार है तो कितना हो जाएगा सॉरी माइनस एन माइनस वन पद हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा टर्म हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। देखिए इस जगह चार है तो यहाँ पे माइनस चार है, इस जगह एन है तो इस जगह क्या हो जाएगा माइनस एन इंटू ए इंटू ए इंटू ए, अप टू कहाँ तक लिखेंगे एन टर्म्स तक हो गया, एन टर्म्स या एन फैक्टर्स तक। अब इस पोर्शन को देखिए तो इसमें सब में माइनस को मान लीजिए तो माइनस वन पे पावर एन हो जाएगा, माइनस वन पे पावर सॉरी कितना है एन माइनस वन है ना, क्या आएगा एन माइनस वन, फिर इसको क्या लिखेंगे वन इंटू टू इंटू थ्री डॉट डॉट अप टू कहाँ तक होगा एन माइनस वन टर्म तक। देखिए माइनस वन माइनस एन माइनस वन है तो इसलिए माइनस वन पे पावर एन माइनस वन कॉमन ले लिए वन टू थ्री अप टू, इसको हम क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी
ए पावर माइनस वन और ये हो जाएगा ए पे पावर एन। तो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं माइनस वन पे पावर एन माइनस वन, एक दो तीन से एन तक था तो फैक्टोरियल एन लिखे, अब क्या है एन माइनस वन तो क्या लिखेंगे फैक्टोरियल एन माइनस वन बटे नीचे कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पे पावर एन इंटू ए पे पावर कितना हो गया एन। देखिए यही चीज हमको प्रूफ करना है, देयरफॉर माइनस वन पे पावर एन माइनस वन ए पे पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन अब बटे क्या लिखेंगे तो ए एक्स प्लस बी पे पावर एन। ये टर्म आपका जो है y n माइनस वन पद तक हम लोगों ने निकाला, अब हमको लगता है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक चीज जो कंपटीशन का बैच हम लोग का चल रहा था उसमें से हम लोगों ने आज से करेंट अफेयर्स जो कि अप्रैल से लेके अप्रैल 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक, दैट मीन्स कि वन ईयर का जो है हम लोग प्लान जो है वो कोशिश करेंगे कि 15 से 20 तक में मोर देन हो जाए कंप्लीट। और आज से या आइदर कल से हम लोग एक न्यू चैप्टर कंपटीशन में शुरू करेंगे जो कि परसेंटेज का चैप्टर रहेगा। तो हम लोग YouTube के माध्यम से ही वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जो कंपटीशन वाले बैच में है उसमें जो है उम्मीद करते हैं कि आज या आइदर कल से जो है आपका परसेंटेज चलेगा। और कंपटीशन में जो है जीके जो करंट अफेयर्स की बात हो रही थी तो वो करंट अफेयर्स आपका पर डे जो है हम व्हाट्सएप के द्वारा बता देंगे, मतलब कि मैसेज कर देंगे। और इसके बाद जो बीएससी पार्ट वन का सिलेबस चल रहा है ये तो चल ही रहा है, कल से जो है बीएससी पार्ट टू का स्पेशल फंक्शन स्टार्ट करेंगे और पार्ट थर्ड का जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस भी स्टार्ट होगा। तो एक दो दिन के दरमियान में सीक्वेंस में चलेगा। और 12 का ऑलरेडी हम लोग का बैच चल ही रहा है जिसमें कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं, और आज उनका चलेगा एक टॉपिक को, मतलब कि कल तक है उम्मीद है कि कम्प्लीट हो जाएगा। और वीडियो को लाइक तो कर ही रहे हैं, शेयर कर ही रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और मित्र और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, इससे जरूर है कि बेनिफिट मिलेगा ही। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, इसे स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिए, आज तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो हो गया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो है सबसे बेस्ट चीज है, इसको समझने के बाद में हम लोग को बहुत ज्यादा ही इजी लगेगा। चलिए सॉरी वाई एन प्लस वन का नहीं, तो उसमें क्या था जहां तक एन तक हम लोग निकाले थे y n प्लस वन, जहां n तक था वहां पे n प्लस वन को पेस्ट कर देंगे, बस आ जाएगा एक पद आगे हम लोग कर देंगे। अब देखिए एक सवाल है कि y इज इक्वल टू, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि y इज इक्वल टू मेरे पास कितना दिया है, तो साइन ए एक्स प्लस बी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। y इक्वल टू साइन कितना है ए एक्स प्लस बी, और फाइंड करना है क्या चीज y n, ये लास्ट पोर्शन करेंगे। लगभग हम लोगों ने दो से तीन सवाल किए, धीरे धीरे हम रेंज बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए y बराबर कितना है, तो ax प्लस साइन ax प्लस बी, चलिए इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y इक्वल टू मेरे पास तो दिया हुआ है कितना, तो साइन ax प्लस बी, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे y1 इक्वल टू साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, साइन का होता है cos ए एक्स प्लस बी, और x के साथ मल्टीपल कितना है तो a, ये हम a लिख दिए। तो y बराबर करना हो गया cos ए एक्स प्लस बी, अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो cos को अगर sin के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं sin 90 डिग्री और प्लस थीटा, थीटा की जगह कितना है तो ए एक्स प्लस बी है, sin 90 प्लस थीटा तो पाई बाय टू आ प्लस थीटा इंटू इसके साथ मल्टीपल क्या है तो a। तो y1 बराबर ये भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस पोर्शन को, अगर यही चीज हम लोग चलेंगे ax प्लस b प्लस कितना हो गया पाई बाय टू। सिमिलरली अगर y2 चलते हैं, देखिए यहाँ पर कितना दिया है साइन दिया है, तो साइन को अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं ये मेरा टर्म किस में आ जाएगा कौन है cos, cos कितना हो जाएगा cos देखिए पाई बाय टू प्लस ax प्लस b गुना इसके साथ a मल्टीपल था फिर कोफिशियंट a है तो a पहले था a इंटू कितना हो जाएगा a। फिर देखिए इसको अगर हम साइन में कन्वर्ट करते हैं तो लिखेंगे क्या चीज साइन पाई बाय टू बीच में प्लस साइन, ये टोटल थीटा हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा a इंटू a कितना होगा a स्क्वायर। फिर देखिए साइन के टर्म में साइन 90 डिग्री आ प्लस थीटा, ये कॉस है कॉस को हम कन्वर्ट किए साइन 90 प्लस थीटा है। फिर से अगर y3 करते हैं तो ये मेरा साइन एम रहने देगा कि साइन का पुनः होगा कॉस,
फिर से कॉस 90 प्लस थीटा में करेंगे तो ये कितना लिखेंगे, पाई बाय टू बीच में प्लस, फिर ये टोटल एंगल हो जाएगा, क्या लिखेंगे, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी और इन टू क्या हो जाएगा ए पी पावर थ्री। और फिर अगर वाई फोर से लेके डॉट 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 हम लोग चलते रहेगा वाई फोर, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई थ्री इक्वल टू साइन पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू, तो थ्री इंटू क्या लिखेंगे पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए कितना हो गया क्यू पाई बाय टू पाई बाय टू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पोर्शन को अगर लिखना है तो हम लिखेंगे साइन ये पाई बाय टू तो टू इंटू कितना हो जाएगा पाई बटे टू और प्लस ए एक्स प्लस बी और इंटू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए फिर थ्री हो गया, अगर वाई फोर करना है तो साइन कितना हो जाएगा फोर इंटू पाई बाय टू इंटू कितना होगा ए एक्स प्लस बी पावर ए पे पावर फोर होगा। इस तरह से चलते चलते अगर हमको वाई एन निकालनी हो तो हो जाएगा साइन एन हो जाएगा इंटू पाई बटे टू और ए एक्स प्लस बी इंटू ए पे पावर क्या हो जाएगा एन। यही मेरा जो है सीक्वेंस निकालना है, दैट इज कॉल ये मेरा क्या हुआ वाई को एन एफ तक डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए आज जितना हम लोगों ने पढ़ा इतना दूर तक आप लोग रिविजन कीजिएगा, एक दो बार बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से जो है लगभग 3 से 4 सवाल हुआ और अच्छे से ध्यान से इसको बनाइएगा। फिर जो अगला क्लास है नेक्स्ट क्लास होगा वो कल क्लास होगी, कल के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में लैबनिज फॉर्म को पढ़ा जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और दोस्तों को लाइक करें शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।